चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अभी से युवा कांग्रेस रणनीति बनाने लगी है। आने वाले पंचायती राज चुनाव और नगर परिषद में होने वाले चुनावों के लिए सोलन युवा कांग्रेस ने सोलन कांग्रेस भवन में बैठक कर रणनीति बनाते हुए देश और प्रदेश की सरकारों को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर युवाओं को अवगत करवाया। चुनावों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अभी से युवा कांग्रेस रणनीति बनाने में लगी हुई है। आने वाले पंचायती राज चुनाव और नगर परिषद में होने वाले चुनावों के लिए सोलन युवा कांग्रेस ने सोलन कांग्रेस भवन में बैठक कर रणनीति बनाई और देश व प्रदेश की सरकारों को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर युवाओं को अवगत करवाने का निर्णय भी लिया गया। आने वाले चुनावों में अधिक से अधिक मत लेकर कैसे विजय हासिल करें, इसके लिए विस्तृत चर्चा भी की गई। बैठक में सोलन विधानसभा के सभी क्षेत्रों से आए युवाओं ने अपनी सहभागिता निभाई। इस मीटिंग में जिला सोलन युवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित ठाकुर, युवा कांग्रेस नेता विकास कालटा और धर्मपुर क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य अजय कंवर ने देश और प्रदेश सरकार की नाकामियों को भी गिनवाया। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अमित ठाकुर ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी पंचायतों और नगर परिषद के चुनावों में युवा किस तरह से अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें, इस बारे में उन्हें अवगत करवाया गया। उन्होंने कहा कि युवा बेरोजगारी के चलते अपनी आवाज उठाने के लिए मजबूर हो चुका है और देश व प्रदेश की सरकार महंगाई और बेरोजगारी को बढ़ाती जा रही है। उसी तरफ कोई भी ध्यान सरकार नहीं दे रही है, जिसके खिलाफ युवाओं को आगे आकर बढ़ना होगा और इसी बारे में चर्चा की गई कि कैसे रणनीति बनाई जाएगी। बैठक कांग्रेस भवन सोलन में आयोजित की गई, जिसका जो एजेंडा था वो कुछ महीनों बाद जो पंचायती राज के जो चुनाव आने हैं उसमें युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कि किस तरह से युवा कांग्रेस के लोग और उनकी टीम, हमारी टीम किस तरह से पंचायती राज और जो यहाँ पे एमसी के जो चुनाव आने हैं उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आज से जो तैयारी की जानी है उसके लिए कई अहम बातें और निर्णय लिए गए। और साथ में जो प्रदेश और देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगार और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बढ़ती महंगाई के लिए जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोषी है उसके ऊपर भी काफ़ी गहन चर्चा हुई। और भविष्य में यूथ कांग्रेस इसके लिए उग्र प्रदर्शन करेगी अगर समय रहते इस पर विराम ना लगाया गया।